जय हिंद, वेलकम टू दी अनदर लेक्चर ऑफ नगेन प्रकाशन बुक क्लास 12। तो हम लोग चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5T कर रहे थे। इसमें हमने 38 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। अब हम 39 से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक करके शेयर भी कर दीजिए। चलिए हम करते हैं 39 क्वेश्चन को सॉल्व। तो 39 क्वेश्चन दिया क्या है, 39 क्वेश्चन दिया है e की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सारा किसके e की पावर के रूप में है, ठीक है। इसको अलग से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। इसका करना है हमको डिफरेंशिएशन। अच्छा, फंक्शन पूरा दिया है किसमें, किसमें दिया है फंक्शन, फंक्शन दिया है पूरा x में। तो हम किसके सापेक्ष करेंगे डिफरेंशिएशन, x के सापेक्ष। तो करिए, तो x का y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अच्छा e की पावर में किसी का, e की पावर में अगर कोई भी वेरिएबल हो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर वेरिएबल। तो e की पावर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हमने जिसको वेरिएबल माना है उसका फिर से डिफरेंशिएशन। तो हमने वेरिएबल किसको माना है, हमने वेरिएबल माना है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन फिर से कर देंगे, ठीक है। तो डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू। अच्छा देखिए, इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा, इसमें फार्मूला लगेगा फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकेंड फंक्शन, क्योंकि बटे में दिया तो फॉर्मूला वही लगेगा। तो लगा दीजिए, आप फॉर्मूला बार बार हम डिस्कस नहीं की करेंगे, इसका फॉर्मूला डिटेल में हमने डिस्कस कर रखा है लक्ष्य बैच में। तो लक्ष्य बैच की प्लेलिस्ट अपडेट है तो वहाँ से आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए करते हैं, तो फॉर्मूला डिवाइज करेंगे क्या क्या इसमें था, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन को तो ऐसे ही रखना और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो डी वाई डी एक्स किसका, एक्स स्क्वायर का, माइनस सेकेंड फंक्शन को तो सॉरी सेकेंड फंक्शन को सॉरी फर्स्ट फंक्शन को तो ऐसे ही रखना एंड सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देना अपॉन में क्या था, सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर। क्या था, सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर, इसका कर दिया डिफरेंशिएशन। तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या निकल गया आएगा, ई की पावर एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, रहेगा ना, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अब तो रट चुका है ना, क्या हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, और 1 जो है कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, क्या निकल गया है, अच्छा इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 2x का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर दीजिए 2x का मल्टीप्लाई। तो 2x का 1 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो 2x प्लस, अब इसका साथ करेंगे तो 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस सॉरी 2x क्यूब, टू क्या हो जाएगा 2x क्यूब, इधर से करेंगे 2x का तो माइनस ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस 2x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ 2x क्यूब प्लस का 2x क्यूब माइनस का कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से क्या बचा, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या निकल के आएगा, ई की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स का, 1 प्लस एक्स का होल एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये निकलेगा, यही तो बचेगा। अब जब यही बचा है तो यही हमारा हो जाएगा डिफरेंशिएशन। चाहे तो आप इसको करेक्ट फॉर्म में लिख लीजिए जिससे ये ना लगे कि ये पावर की मल्टीप्लाई में है, तो इसको आगे लिख लीजिए 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से, इस तरीके से इसका डिफरेंशिएशन करना था।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40 नंबर, क्वेश्चन नंबर 40। क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 40 दिया है लॉग में, दिया है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसका करना है डिफरेंशिएशन। आसान है वैसे तो, इसको सॉल्व करेंगे अब। चाहे तो आप वीडियो पॉज करके इसको खुद से ट्राई कर सकते हैं, अगर आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आता तो सोल्यूशन देख लेना, है ना। चलिए कर लीजिए चाहे तो। अच्छा इसको चाहे ऐसे भी करेंगे, डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। अच्छा लॉग का डिफरेंशिएशन अभी हमने फॉर्मूला याद कर रखा है, क्या आता है वन अपॉन वेरिएबल, वेरिएबल क्या देखा है एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये दिया। लेकिन जिसको हमने वेरिएबल बनाया उसका डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल माइनस वन, इसका कर देंगे फिर से डिफरेंशिएशन। अच्छा अब इसका देखिए प्लस फंक्शन दिया है तो इसका डिफरेंशिएशन अलग अलग होगा, तो इसको अलग रखिए तो यहाँ से निकल के आएगा इज इक्वल लगा के रखना, साइन इक्वल का साइन लगा के रखना हर एक क्वेश्चन में। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा वन अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको अलग रखिए। अच्छा यहाँ से एक्स का अगर करेंगे हम निकालेंगे एक्स का डिफरेंशिएशन वन प्लस, अच्छा किसी भी वेरिएबल की पावर अगर वन है तो उसका डिफरेंशिएशन वन प्लस। अच्छा रूट, अब ये रूट में है ना, रूट में रूट का अंडर रूट, इसको अंदर वाले को वेरिएबल मान लीजिए और रूट का क्या होता है वन अपॉन टू रूट वेरिएबल, वन अपॉन टू रूट वेरिएबल, वेरिएबल क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब वेरिएबल जिसको माना है फिर से उसका डिफरेंशिएशन कर दो, हमने वेरिएबल एक्स स्क्वायर माइनस वन को माना है इसका फिर से डिफरेंशिएशन, तो फर्दर आगे सॉल्व करेंगे अपॉन वन अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन वन प्लस वन प्लस। अच्छा इसको हर को कर लेते हैं बराबर, कर ले सही रहेगा। तो इसको हर को बराबर करेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, अभी नहीं करें पहले सॉल्व कर लेंगे वन अपॉन टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, हो सकता है कट ही जाए है ना। चलिए इनटू एक्स स्क्वायर का टू एक्स क्या रहेगा 2x और कॉन्स्टेंट नाम का जीरो, तो इसको ऐसे ही रहने दें। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, मल्टीप्लाई में कैंसिल हो गया अपॉन यहाँ से 1 अपॉन x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको अलग। अब इसको हर समान कर लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, क्या होता है रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन और क्या बचा यहाँ, और क्या बचा प्लस एक्स, यहाँ तो एक्स है ना, ये वाला एक्स बचा एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन बचा ना, ये बचा। अच्छा ये देख रहे हो ये वाला, ये सेम पोर्शन यहाँ है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा नहीं होगा या नहीं बोलो जल्दी बोलो, हो जाएगा हाँ। तो बचेगा क्या, बचेगा हमारा ये तो पूरा ही कैंसिल हुए पूरी टर्म एक्स स्क्वायर माइनस वन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस एक्स, इसको पूरे से कैंसिल हुआ। अच्छा इसको आगे ले आएंगे प्लस में, कोई दिक्कत तो है नहीं, साइन का गड़बड़ तो है क्या नहीं, तो बचा गया वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, यही तो बचा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का ये आंसर है, इस तरीके से सॉल्व करना था ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने कितना कर लिया 40 नंबर क्वेश्चन कर लिया है, अब हम करेंगे कौन सा 41 नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 41 क्या दिया है क्वेश्चन, हाँ ये भी लॉग में दिया है लॉग अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसको करेंगे सॉल्व।
अच्छा इसमें लॉ की प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करेंगे ना, क्योंकि लॉ की प्रॉपर्टी तो लग रही है। अच्छा इसको करना है सॉल्व, डी अपॉन डी एक्स लॉग, जहाँ भी लॉग आए उसकी प्रॉपर्टी लगा दीजिए। अच्छा ये अंडर रूट को हम पावर वन वन बाई टू लिख सकते हैं, वन अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर वन बाई टू। अच्छा लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो भी पावर में होगा वो आगे आ जाएगा, तो यहाँ से डी अपॉन डी एक्स। अच्छा वन बाई टू कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन करना नहीं, चल एक बार यहीं लिख लें, वन अपॉन टू लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब कांस्टेंट हमको आगे रख लिया, तो वन बाई टू डी अपॉन डी एक्स लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा कोई भी टर्म अगर लॉग में कोई भी टर्म डिवाइड में है तो वो दो टर्म में डिवाइड, दो टर्म में विभाजित होता है हो जाती है, और बीच में साइन माइनस का आ जाता है। इसको भी लॉग की प्रॉपर्टी से कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, वन बाई टू डी अपॉन डी एक्स, एक में क्या आ जाएगा, अच्छा वन बाई टू लॉग कॉमन है इसको यहाँ से रखिए, लॉग एक को स्टेंगे तो वन प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस इसका फिर से डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स लॉग की दो टर्म है तो दो टर्म का अलग अलग डिफरेंशिएशन, दोनों टर्म का अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा ना, कर लीजिए तो वन माइनस एक्स स्क्वायर ये दो टर्म होंगे। अब हम डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो वन बाई टू तो कॉमन है, इसका ब्रैकेट तो लगाए नहीं, वन बाई टू तो कॉमन है वन बाई टू। अच्छा लॉग का डिफरेंशिएशन करें, ये वेरिएबल में तो लॉग का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स स्क्वायर वन प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, जिसको वेरिएबल है ना उसका फिर से डिफरेंशिएशन वन प्लस एक्स का स्क्वायर का, माइनस यहाँ से भी वन माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर से इसका जो वेरिएबल है इसका उसका फिर से डिफरेंशिएशन। वैसे आसान है, इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं पिछले कई क्वेश्चनों में, तो वन बाई टू कॉमन है जो अपॉन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा अगर कांस्टेंट हमें इसका डिफरेंशिएशन जीरो, एक्स स्क्वायर का टू एक्स माइनस वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से क्या निकल के आएगा, वन का डिफरेंशिएशन जीरो एक्स स्क्वायर का, लेकिन यहाँ तो माइनस माइनस टू एक्स हो जाएगा ना। अच्छा अब यहाँ से हम क्या करते हैं, देखिए ये माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा ना, और ये देखिए यहाँ से 2x यहाँ से भी 2x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से 2x ले लिए जा कॉमन अपॉन 2, यहाँ से 2 2 कैंसिल हो जाएगा ना। अब यहाँ क्या बचा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला माइनस इसको प्लस कर देगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एलजेब्रा लगा के इसको सॉल्व कर दीजिए, यहाँ क्या बचा x, देखिए हर समान करेंगे ना फ्रैक्शन का, तो यहाँ से क्या हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन, यहाँ क्या बचेगा, अच्छा इसको यहाँ से लेके जाएंगे तो वन माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर हो जाता है, इस तरीके से कर लीजिए। अब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ देखिए यहाँ ये प्लस का है ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा ना, इज इक्वल टू, अब x तो कॉमन चल ही रहा था, यहाँ से क्या बचा 2 बचा 1 प्लस 1 2 अपॉन 1 का होल स्क्वायर तो बन ही रहेगा माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर x की पावर 4 हो जाएगा। अब हमारा डिफरेंशिएशन क्या निकल गया है, हमारा डिफरेंशिएशन क्या निकल गया है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 4। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, देखिए इसमें क्या लगा, एक तो लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी और एलजेब्रा लगा, डिफरेंशिएशन का तो केवल कितने लाइनों में यूज हुआ है, एक और दो लाइनों में पूरा डिफरेंशिएशन हो गया। अगर आपको एलजेब्रा और लॉगरिथम आता है अच्छे से तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, है इस तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना था। अच्छा आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।